This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के पड़ोस में एटीएम में हुई चोरी। एटीएम में पैसे चुराने नहीं, एटीएम की बैटरी चुराने पहुंचा चोर। सिलीगुड़ी के हर थाना क्षेत्र में बदमाश आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हर घटना के बाद भले ही अपराधी पकड़े जा रहे हो, लेकिन नई नई घटना हर रोज सामने आ रही है। सिलीगुड़ी शहर में एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। इस बार सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के पड़ोस में चोरी की घटना सामने आई। मालूम हो कि बीती रात चोरों ने मेयर गौतम देव के पड़ोस में एक एटीएम में धावा बोल दिया। एटीएम से पैसे चुराना नहीं, एटीएम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां चुराना था टारगेट। मालूम हो कि कल रात एक युवक कॉलेज के पड़ोस में स्थित एक एटीएम में घुस आया और एटीएम से 3 बैटरियां चुरा ली। फिर उन बैटरियों को लेकर दूसरे एटीएम के सामने खड़ा हो गया और एटीएम में घुसकर चोरी की कोशिश कर रहा था। तभी एक स्थानीय व्यक्ति की नज़र उस चोर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी थाने की पानी टंकी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और 3 बैटरियों के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना से इलाके में काफी उत्तेजना फैल गई। सिलीगुड़ी शहर में पहले ही चोरी की घटनाएं लगातार होती रहती है और इस बार सिलीगुड़ी के मेयर के पड़ोस में एक एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने ले गया गया है। सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने बैंक से संपर्क कर पूरी घटना की जांच के लिए आरोपियों को कानून के मुताबिक कोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पाल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है, ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर।